24 नवंबर को निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन करने भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के राज्य मंत्री धन्य कुमार जिनप्पा गुंडे जी आए और बताया कि सरकार जैन समाज के लिए क्या कुछ योजनाएं ला रही है। साथ ही गिरनार तीर्थ पर भी मंत्री जी ने विस्तार से बात की। चुनावी सुगबुगाहट के बीच 24 नवंबर को निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन और तीर्थों पर विशेष चर्चा करने के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के राज्य मंत्री धन्य कुमार जिनप्पा गुंडे, दिल्ली अल्पसंख्यक सीट के सदस्य श्री अविनाश जैन और समाज सेवक प्रद्युमन जैन पधारे। मंत्री महोदय ने मुनि पुंगव श्री को श्री पर भेंट कर आशीर्वाद लिया। इसी बीच श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति के सदस्यों ने अतिथियों, राज्य मंत्री और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती निर्मला धन्य जिनप्पा गुंडे का स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान के बाद राज्य मंत्री धन्य कुमार जिनप्पा गुंडे जी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है और सुधा गंगा में सारे पाप धुल। आज सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद मुझे मिल गया। मुझे तो अनुभव आ रहा है सुधा सागर जो प्यूरिटी का सागर है, खुद जो गंगा का सागर है। ये सब सोचने के बाद ये सागर में मुझे लगता है कि मैं आज नहा लिया। साथ ही राज्य मंत्री जी ने गिरनार के मुद्दे पर कहा कि गिरनार मुद्दा अभी कोर्ट में चल रहा है और इस पर सबके अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं। गिरनार का इशू कैसे सॉल्व करना और मेरा काम उसमें क्या रहेगा, वो आचार्य सिर के आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। क्योंकि ये जो इशू है गिरनार का इशू, वो अभी कोर्ट में चालू है। कोर्ट में मंत्री जी ने बताया कि जैनियों के लिए झारखंड सरकार ने काफी एरिया रिजर्व करके रखा है और अब वहाँ मांस मदिरा का सेवन नहीं होगा। ऐसे शिखर जी के लिए बहुत बड़ा इशू पैदा हुआ था और मैं पूरा मेरे जैन धर्मियों का सहभाग से, उनके आशीर्वाद से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सका। और झारखंड गवर्नमेंट ने 49.38 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जैनियों के लिए रिजर्व करके रखा। इस एरिया में कौन सा ही अहिंसा कार्य नहीं चलेगा, मध्य मांस नहीं चलेगा, उसका डेवलपमेंट ही होगा। और ये जो नोटिफिकेशन का जो इरादा था टूरिज्म का इरादा तो कैंसिल हो गया। साथ ही मंत्री जी ने कहा कि गिरनार मुद्दा चैलेंजिंग है और चैलेंजिंग सब्जेक्ट है वो गिरनार का सब्जेक्ट ले आचार्य श्री से चर्चा करके, महाराज जी से चर्चा करके जो कुछ हल निकलेगा उसके लिए मैं कोशिश कर लूंगा। मुनि पुंगव श्री के दर्शन कर और मंगल आशीर्वाद लेकर राज्य मंत्री जिनप्पा गुंडे जी ने अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि हम मुनि श्री के प्रवचनों से बहुत कुछ सीख गए हैं। भारत में जो स्त्रियों का जो स्टेटस है माँ के जैसा, उसका भी नाम है सुधा। ये पूरा संगम मैं सुधा सागर के यहाँ आज मैं देखा और उनका प्रवचन भी सुनने का मुझे चांस मिला और बहुत कुछ मैं सीख गया। दिल्ली अल्पसंख्यक सीट के सदस्य श्री अविनाश जैन और समाज सेवक प्रद्युमन जैन ने कहा कि हम चाहते हैं दिल्ली में भी मुनिश्री का मंगल प्रवेश हो। पावन भूमि जो आगरा के निवासियों की रही है, मैं तो सोच रहा हूँ कि लोगों को 4 महीने का चतुर्मास मिलता है, ये इस वर्ष 5 महीने का चतुर्मास वो भी परम पूज्य सुधा सागर महाराज को मिला और आगरा निवासी को मिला, दिल्ली में क्यों नहीं मिला। तो हम भी ये आशा करते हैं कि सुधा सागर महाराज दिल्ली की ओर विहार करें। देखिए, जो लोग जो समझते हैं कि हमने एक मूर्ति 11,000, 21,000 और 51,000 में कर दी, जो गुरुदेव ने उसकी एक व्याख्या की आज, तो हमें लगता है कि चक्षु तो बहुत लोगों के खुल गए होंगे कि और एक ईंट लगाने पर 1.25 गुना ब्याज मिलेगा तो 3,000 ईंट लगेगी। तो ज़रूर लोकोदय का जो उन्होंने पावन प्रसंग यहाँ रखा है आगरा में, मैं मानता हूँ कि ये तीर्थ ऐसा भव्य तीर्थ होगा कि जो कि दुनिया में इतिहास रचेगा, जैन धर्म का सूर्य कहा जाएगा इसको। बहरहाल मंत्री जी ने वादे तो कई किए हैं, लेकिन देखना होगा कि तीर्थों के लिए सरकार कितना सजग रहती है, क्योंकि भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के राज्य मंत्री धन्य कुमार जिनप्पा गुंडे जी ने जैसे कहा है कि जैन समुदाय और वरिष्ठ लोगों के साथ हमारी बात चल रही है, उसका नतीजा क्या रहता है वक्त बताएगा। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।